हेलो दोस्तों दोस्तों DRDO डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 224 हैं और ये वैकेंसीज 10th एंड 12th पास के लिए हैं। तो दोस्तों इसकी लास्ट जो डेट है वो 15 अक्टूबर है। दोस्तों नॉर्मल सा जो इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है कोई ज़्यादा वो नहीं है और पोस्ट बहुत अच्छी हैं। स्टेनोग्राफर की है जिसमें 12th की डिमांड की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव की है जिसमें भी 12th मांगी गई है, और ये जो चार्ट है ना वो आपके सामने है जिस जिस टाइप से आपकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप अपनी पोस्ट को चूज़ कर सकते हैं और फिल कर सकते हो। तो दोस्तों आगे नीचे अब हम स्क्रॉल करें तो देखते हैं तो ये कैटेगरी के हिसाब से हमें चार्ट दिया गया है कि ये SC ST OBC जर्नल के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं इन सब की। ये भी आप एक बार पढ़ के इनको अच्छे से चेक करके अपना एलिजिबिलिटी चेक करके फिर अपनी पोस्ट फिल करनी है। तो आगे नीचे देखिए और क्या काम की चीज़ है इसमें, तो उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों आगे हम बात करें तो दोस्तों इसमें फीस का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों इसमें सिर्फ जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए जो है वो 100 रुपये फीस है, SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए इसमें कोई फीस नहीं है दोस्तों। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें पहले एग्ज़ाम होगा दोस्तों, और एग्ज़ाम के बाद हाँ दोस्तों इसमें फिज़िकल मेजरमेंट भी ज़रूरी मांगा गया है। तो इसमें हाइट मेल की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 175 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट की डिटेल और चेस्ट एक्सपेंशन ये सब आपके सामने है, वेट जो ज़रूरी है चेक करना। तो मेन बातें जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बाकी आपको नोटिफिकेशन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके लिंक को आप पढ़ सकते हो और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी पोस्ट चूज़ करके फिल कर सकते हो। तो दोस्तों ये है इनका जो सिलेबस होगा एग्ज़ाम का वो है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि आएगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये तो मतलब कि जनरल के क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, एंड जनरल इंग्लिश आएगी और 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के। ओके दोस्तों आगे नीचे स्क्रॉल करें तो बस दोस्तों इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, बाकी ये जो नोटिफिकेशन हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा आप वहाँ से डाउनलोड करके रीड कर लेना। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप यह पोस्ट अपने मोबाइल पर घर पे बैठ के कैसे फ्री में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो। ओके दोस्तों चलो चलते हैं। तो दोस्तों इस पोस्ट को अपने मोबाइल पर घर बैठ के फ्री में भरने के लिए आपको अपने फ़ोन के गूगल ब्राउज़र में जाना पड़ेगा और वहाँ पर हमें टाइप करना होगा www.drdo.gov.in। जैसे मैंने ये अपनी सर्च बार में टाइप कर रखा है ना वैसे टाइप करना होगा। ओके दोस्तों इसके बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना आप ब्राउज़र की सेटिंग में जाके यहाँ से मोबाइल वर्जन लिखा है ना जहाँ पे वहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन होगा उस पर टच करके आप डेस्कटॉप वर्जन ऑन कर लीजिए। ओके दोस्तों इसके बाद हमने जाना है DRDO रिक्रूटमेंट नोटिस बोर्ड, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो पेज खुल गया दोस्तों, इसके बाद हमें रजिस्टर करना है। तो पेज इस तरह का पेज ओपन होने के बाद तो हमें दूसरे लिंक जो ये दिया ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिन कार्ड इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने इसका जो मेन फॉर्म होगा ना वो आपके सामने ओपन हो जाएगा।
ये फॉर्म ओपन होने के बाद दोस्तों हमें डेस्कटॉप वर्जन ऑन कर लेना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें पूरी डिटेल्स दी गई है कि आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट फिल करने हैं। आप पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है दोस्तों, तो इसलिए मैं इसको सीधा स्किप कर दूंगा। यहाँ पे टिक मार की निशानी लगाकर इसको प्रोसेस कर दो। तो प्रोसेस करने के बाद आपके सामने इसका जो पोस्ट का फॉर्म होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो अब देख लो दोस्तों, इसमें पहला कॉलम में क्या दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको कॉलम दिया है जो उसमें आपने फिल करना है, यस पे क्लिक कर दीजिए। इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ये ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आपको अपना नेम भरना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद जेंडर आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड अपना कैटेगरी जो भी है। दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसका डेट ऑफ इशू भरने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद जो सब कैटेगरी दिया है इसको भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आप इसको छोड़ सकते हो। तो इसके बाद जो भी आपसे पूछा गया है माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये नो कर दीजिए आप, और अगर आप हैं तो यस कर देना, और आप जम्मू कश्मीर के निवासी थे पहले तो आप यस कर दियो, अगर नहीं हो तो नो कर देना। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और अपना सिग्नेचर, उसके बाद आपको ये कोड दिया होगा इसका प्लस करना है, प्लस कितना होता है वो आप यहाँ पे टाइप करके रजिस्टर कर दीजिए। ओके दोस्तों, न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें इसकी डिटेल्स बताई गई है कि क्या क्या डिटेल हमें फिल करनी है। देखो जो येलो कॉलम हो चुका है ना, वो पर्सनल डिटेल हमने ऑलरेडी फिल कर दिया इसलिए येलो हो गया। इसके बाद हम पोस्ट की डिटेल फिल करेंगे तो इसके बाद ये भी येलो हो जाएगा। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये भी ऐसे ऐसे ये 5 कॉलम है जो हमें कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं क्या कुछ इन्होंने आगे मांगा है। तो इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड नंबर, तो दोस्तों ये सब कॉलम्स भरने के बाद हमें नीचे कॉलम दिया होगा आधार का नंबर फिल करना है अपना, और फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, और जो भी आपकी हाइट है वो फिल करनी है। यहाँ पे कोई भी आपके बॉडी पे कोई भी मार्क होगा, निशान होगा ना, उसका मतलब कि जिक्र करना है यहाँ पे। तो इसके बाद आपका एड्रेस, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड एंड जो भी कुछ मतलब कि मांगा गया है वो फिल करने के बाद आपको दोस्तों इसका टोटल करके जो ग्रीन बॉक्स में दिया है यहाँ पे लिख के मतलब यहाँ पे आंसर दे देना है, और सेव एंड कंटिन्यूस भी कर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यूस करने के बाद दोस्तों आपके पास अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मतलब कि पेज खुल जाएगा। उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ क्लिक करके यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद फाइनल हो जाएगा। एक बार आप अगर करेक्शन करनी हो, चेक करना हो तो कर दियो, अगर सब कुछ सही है तो आगे सबमिट कर देना। इसके बाद अगर जर्नल हो तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, अगर SC जहाँ ST से हो तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। दोस्तों आगे मैं ये फॉर्म मतलब कि प्रोसेस करके दिखा सकता था, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए ये वीडियो मतलब अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करके दिखा दूंगा। ओके दोस्तों, और जानकारी के लिए अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और आप चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।